मेरी सारी बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं है, एक एक चीज के पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, डीप फंडामेंटल है, प्रूफ है, डेरिवेशन है, एविडेंस है। तो वो सारी की सारी चीजें आपको देकर फिर आगे बढ़ता हूं मैं। कोई रटने वाली 1% भी बात नहीं है। मेरा कोई भी लेक्चर उठाकर आप देख लो, और ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर ही मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, एंट्रोपी के ऊपर बड़े जबरदस्त लेक्चर्स चल रहे हैं मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एंट्रोपी का आपको समझाने की मैंने ठान रखी है, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मान लो हमारे पास एक थर्मोडायनामिक्स का सिस्टम है जो कि किसी टाइम के ऊपर किस स्टेट के ऊपर है, स्टेट वन के ऊपर है। थर्मोडायनामिक्स स्टेट वन वही चीज है जो पिछले लेक्चर में लिया था, और उसके बाद उसके ऊपर हमने एक इररिवर्सिबल प्रोसेस करवाई। कौन सी प्रोसेस? इररिवर्सिबल, जिसकी वजह से सिस्टम स्टेट वन से स्टेट टू पर पहुंच गया। ठीक है, स्टेट वन से स्टेट टू पर पहुंच गया। पैरामीटर्स P1, V1, T1 इस तरह से चेंज होकर P2, V2, T2 इस तरह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि स्टेट चेंज हो गई। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ हीट ट्रांसफर मान लो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में होता है, या तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाती है या सराउंडिंग से सिस्टम में हीट जाती है। और वो कितनी हीट है? वो है सपोज DQ, पाथ फंक्शन है ना हीट ट्रांसफर, इसलिए डेल या डी बार से लिखा है। और ये जो हीट ट्रांसफर हुआ ये कितने टेम्परेचर के ऊपर हुआ? ये केल्विन स्केल के ऊपर, एब्सोल्यूट स्केल के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर हुआ। तो अगर ऐसे कुछ प्रोसेस होती है तो जस्ट पिछला लेक्चर जरा उठाकर देखना, इससे पिछला लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लेक्चर में मैंने आपको स्पष्ट करके समझा दिया, बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देखना मत भूलना, पछताओगे और कहीं शायद आपको ये चीजें मिलने वाली नहीं है। तो देखो हमने आपको क्या बताया, इस प्रोसेस वन से टू के दौरान अगर सिस्टम में इतनी एंट्रोपी चेंज हुई है, कितनी? डीएस। डीएस क्या है? एंट्रोपी चेंज इन द सिस्टम, इन द थर्मोडायनामिक सिस्टम वाइल गोइंग फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। तो वो हम कैसे लिखेंगे? एंट्रोपी चेंज वन टू टू, और वो आपको पता है कि फाइनल स्टेट टू पर जितनी एंट्रोपी होगी माइनस इनिशियल स्टेट वन पर जितनी एंट्रोपी होगी उसका डिफरेंस होगा। और पिछले लेक्चर में हम क्या देख चुके हैं? ये जो चीज है आपके पास एंट्रोपी चेंज इन दिस प्रोसेस विच इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, वन टू टू इररिवर्सिबल है ना, तो ये किसके इक्वल होगा? अगर आप एक टर्म कैलकुलेट करते हो DQ, कितना हीट ट्रांसफर हुआ, किस टेम्परेचर के ऊपर हुआ, ये जो रेशियो आप ले लेते हो इसी प्रोसेस के लिए जो कि इररिवर्सिबल प्रोसेस है, और उसमें आप एक टर्म जोड़ दो जिसका हमने नाम दिया था एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन हमने इसको नाम दिया था। ये टर्म हम इसमें ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एंट्रोपी चेंज फॉर दिस इररिवर्सिबल प्रोसेस। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, डिटेल सारी मिल जाएगी आपको, पिछला लेक्चर जरा उठाकर देखना। ओके जी, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। ओके, तो अब ये जो टर्म है एंट्रोपी जनरेशन वाली, इसके ऊपर बड़े बड़े खुलासे मैंने उसी वीडियो में किए थे, इससे पिछले वाला लेक्चर जो नीचे डिस्क्रिप्शन में है देखना। और साथ ही मैंने आपको ये भी बता दिया एस आपके पास है प्रॉपर्टी जिसको पॉइंट फंक्शन बोलते हैं। एंट्रोपी इज अ प्रॉपर्टी और पॉइंट फंक्शन, एस माने एंट्रोपी। क्यू क्या है? क्यू को हमने लिखा हीट ट्रांसफर, वो है पाथ फंक्शन, प्रॉपर्टी नहीं है, ये रास्ते पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हमने इसको किससे लिखा? हमने इसको लिखा डेल से, डेल से, या हमने डी बार से लिखा। प्रॉपर्टी को या पॉइंट फंक्शन को हम किससे लिख रहे हैं? डी से लिख रहे हैं। अगर अपने चेंज लिखना है, चेंज कितना है, तो डी से लिखा। एंट्रोपी जो है वो पॉइंट फंक्शन है यानी प्रॉपर्टी है, तो हमने डी से लिखा, डी से लिखा डीएस। जबकि एंट्रोपी जनरेशन जो है SGEN जिसको कहा एंट्रोपी जनरेशन, वो हमारे पास क्या है? वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो भी पाथ फंक्शन ही है हीट ट्रांसफर की तरह से। तो एंट्रोपी जनरेशन वो क्या है? वो पाथ फंक्शन है, वो प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए इसको भी हम किससे लिखेंगे? डेल से लिखेंगे या डी बार से लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? डी बार या डेल लिखना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था भाई, एंट्रोपी प्रॉपर्टी है, एंट्रोपी जनरेशन पाथ फंक्शन बन जाता है, यानी पाथ पर डिपेंड करता है वन से टू जाने में। और मैंने आपको समझाया था जितनी इररिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी वन से टू जाने में उतनी ही ज़्यादा ये टर्म पिक्चराइज होती है। तो अब डिटेल में जाने का यहाँ कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो अलग से बंद रखी है, देख लेना, आगे बढ़ने वाला हूँ। तो चलिए
बताया था मैंने आपको, ये जो एंट्रोपी जनरेशन की टर्म है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, ये पॉजिटिव होगी। मेरी सारी बातें सिर्फ कहने की बातें नहीं है, एक एक चीज़ के पीछे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, डीप फंडामेंटल है, प्रूफ है, डेरिवेशन है, एविडेंस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको देकर फिर आगे बढ़ता हूँ मैं, कोई रटने वाली 1% भी बात नहीं है। मेरा कोई भी लेक्चर उठाकर आप देख लो, और ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ मैक ऑनलाइन लेक्चर्स के ऊपर ही मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहां पर देखो, एंट्रोपी जनरेशन हमेशा पॉजिटिव है, मैंने आपको समझा दिया था कैसे, ओके, पिछले लेक्चर में ही देखना, ओके। अब एक प्रोसेस हो रही है 1 से 2, जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे भी प्रैक्टिकली भी आपको पता है रिवर्सिबल तो होती नहीं है, इरिवर्सिबल ही होती है। तो उसके ऊपर कुछ ये चीज एप्लीकेबल होगी ना, फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए होगी, नेचुरली होगी। अब आप क्या करो, मान लो सिस्टम में हम हीट एड करते हैं, हीट एडेड टू द सिस्टम। जब ये प्रोसेस हो रही है तो हम सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हैं, उससे क्या होता है, पहली तो बात ये है, उससे क्या होगा, सीधी सी बात है, व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो डी क्यू हीट ट्रांसफर जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट विल बी पॉजिटिव। हीट ट्रांसफर पॉजिटिव हो जाता है ना, सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो पॉजिटिव, सिस्टम में से हीट निकाल रहे हो नेगेटिव, ये कन्वेंशंस हैं। और दूसरी बात, मान लो हम जो प्रोसेस करवा रहे हैं वो इरिवर्सिबल प्रोसेस तो है, बट इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा है, मोर इज द इरिवर्सिबिलिटी, मोर इरिवर्सिबिलिटी, ज़्यादा है इरिवर्सिबिलिटी। ये मेरे आपको शुरू के लेक्चर्स बड़े काम आएंगे इस चीज़ में, थर्मोडायनामिक्स के ऊपर, जिसमें मैंने चर्चा कर रखी है कि इरिवर्सिबिलिटी कहाँ कहाँ से आती है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन, पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो एक फ्रिक्शन है वो तो कभी आप खत्म नहीं कर सकते, फ्रिक्शन लीड्स टू इरिवर्सिबिलिटी। तो ऐसे ही और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से इरिवर्सिबिलिटी रहेगी। तो मोर इज द इरिवर्सिबिलिटी, उससे क्या होगा, जितनी इरिवर्सिबिलिटी ज़्यादा होगी प्रोसेस में उतनी ही ये टर्म ज़्यादा पैदा होगी, एंट्रोपी जनरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी, इसका सबूत भी पिछली वीडियो में दिया था। और ये टर्म हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, मीन्स ज़्यादा पॉजिटिव वाली वैल्यू एक और पैदा होगी, किसकी, डी एस की, एंट्रोपी जनरेशन की जिसकी हम बात कर रहे हैं। एंट्रोपी जनरेशन पॉजिटिव तो ऑलरेडी है ये, ठीक है, विल बी मोर, ये ज़्यादा होगी, विल बी मोर, पॉजिटिव तो पहले ही है जी। तो यहाँ से अब कॉन्सेप्ट्स की बातें शुरू हो रही हैं। अगर आपने सिस्टम में हीट ऐड की है, सिस्टम में हीट ऐड की जब आपने प्रोसेस करवाई, तो डी क्यू क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पहले ही पॉजिटिव है, केल्विन स्केल वाला टेम्परेचर, इसका मतलब पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या हुआ, ओवरऑल पॉजिटिव, एक पॉजिटिव टर्म आपके पास आ गई जब आपने हीट ऐड करी सिस्टम में, ये पहले ही पॉजिटिव है हमेशा। तो पॉजिटिव में कुछ और पॉजिटिव ऐड हो गया, तो ओवरऑल जो चीज आपके पास आई है डी एस, दैट इज नाउ मोर पॉजिटिव वैल्यू, इसका मतलब डी एस पॉजिटिव, एस टू माइनस एस वन पॉजिटिव, तो S2 S1 से ज्यादा होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी सिस्टम की। जब सिस्टम के ऊपर प्रोसेस होगी तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो एंट्रोपी अगर आप सिस्टम की बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, बस आगे काम की बात सुनो, एंट्रोपी अगर सिस्टम की बढ़ाना चाहते हो तो क्या करो, हीट ऐड कर दो, सिस्टम में हीट ऐड कर दो उस प्रोसेस के दौरान, उससे क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, S2 माइनस S1 पॉजिटिव आएगा, पहली बात तो ये कर सकते हो। दूसरा, एंट्रोपी जनरेशन जो कि पहले ही पॉजिटिव ही है, वो ज्यादा वैल्यू का करवा दो, मींस ज्यादा एंट्रोपी जनरेशन आप करवा दो, जितनी एंट्रोपी जनरेशन ज्यादा होगी, ये उसमें ऐड तो हो रहा है ना, उतना ही एंट्रोपी राइज आपको ज्यादा मिलेगा, S2 ज्यादा मिलेगा S1 से। एंट्रोपी जनरेशन आप कैसे करवा सकते हो, एंट्रोपी जनरेशन के लिए आपको इरिवर्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, प्रोसेस में जितनी इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा लाओगे अपने आप ये चीज ज्यादा बननी शुरू हो जाएगी। तो ये दो बातें हैं जिनसे आप सिस्टम की एंट्रोपी को बढ़ा सकते हो। और इससे उल्ट, अगर सिस्टम की एंट्रोपी को कम करना चाहते हो, फिर आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, दो नहीं है, कौन सा, आप हीट निकाल सकते हो सिस्टम में से, हीट रिमूव्ड फ्रॉम द सिस्टम, सिस्टम में से हीट निकालो, सिस्टम में से हीट निकलेगी, डी क्यू नेगेटिव होएगा, नेगेटिव बाय पॉजिटिव, ये जो टर्म है आपके पास नेगेटिव हो जाएगी, ध्यान दो ये हमेशा पॉजिटिव ही है। इरिवर्सिबिलिटी कम कर लो आप तो ये कम पैदा होगी, लेकिन वैल्यू रहेगी पॉजिटिव ही, इसका आप कुछ नहीं कर सकते, वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ये नेगेटिव आप कभी नहीं बना सकते, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो आपके हाथ में एक ही चीज है भाई, कि आप हीट निकाल लो सिस्टम में से, माइनस प्लस
सम पॉजिटिव वैल्यू, तो जो ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग साइन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। माइनस वाली टर्म, ये वाली टर्म इससे ज़्यादा करवा दो, अल्टीमेटली ओवरऑल आपके पास नेगेटिव डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब एंट्रोपी कम हो जाएगी सिस्टम की। या दूसरा सिर्फ इतना कर सकते हो कि इरिवर्सिबिलिटी को कम कर दो ताकि ये कम पॉजिटिव वाली टर्म पैदा हो। तो आज के लेक्चर का कंक्लूजन क्या है, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन बी इंक्रीज्ड बाय टू पॉसिबल वेज। वन, इधर बाय ट्रांसफरिंग हीट इनटू इट और बाय हैविंग एन इरिवर्सिबल प्रोसेस अपॉन इट। ओके, और दूसरा, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिक्रीज्ड ओनली बाय अ सिंगल वे, तब एक ही रास्ता है, बाय टेकिंग हीट आउट ऑफ इट। तो ये कॉन्सेप्ट था, समझ लेना अच्छे से। नेक्स्ट छोटी सी वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हमेशा आइसेंट्रोपिक होती है, लेकिन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हमेशा रिवर्सिबल एडियाबेटिक हो ये जरूरी नहीं है। क्यों है ना खतरनाक बात, समझना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो में चले आना। मिलते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच।